तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको यही राय देते हैं कि आप अपना बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं, अपना रिस्क प्रोफाइल पहले स्टडी करें, उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स को ऐड करें, कुछ मिड कैप स्टॉक्स को ऐड करें, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स को ऐड करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपका रिस्क कवर हो जाएगा। यदि आप हाई रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप्स की ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है और यहाँ पे आपका जो है वो रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप लो रिस्क टेक करो तो आप जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में जाओ और वहाँ पर जो है कुछ स्टॉक्स जो है वो ऐड करो, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में रिटर्न भी कम मिलेंगे लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली रिस्क बहुत ज़्यादा कम होगा। ये जो स्टॉक है ना, ये लीनियरली बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी गिरावट के बाद जो है ऊपर जाते हैं, रिकवरी जरूर कर जाते हैं। तो आज भी इसी तरह के स्टॉक की बात करेंगे, विप्रो की, क्योंकि विप्रो के स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो गया है, फ्राइडे के दिन तेजी आ गई है और ये स्टॉक जो है वो 4% की रैली के अराउंड 466 के अराउंड क्लोज हो गया है। तो आइए इसका अपडेट ले लेते हैं, इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नए आए हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों इसके नंबर्स ही देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में पहले रेवेन्यू का डाटा देख लो, रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनीज है ना, तो मार्केट उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के चलती है। तो यदि कंपनीज के नंबर्स एज पर एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं तो फिर ये जो स्टॉक है इनके टारगेट पॉजिटिव हो जाते हैं, ये स्टॉक रैली करते हैं। अदरवाइज यदि नंबर जो है वो अनुमान के हिसाब से नहीं आते हैं तो ये जो स्टॉक है फिर नीचे गिरते हैं। तो हम मार्केट के हिसाब से ही देखेंगे कि मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है। जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था दैट वॉज 22.11 करोड़, और जो रिपोर्ट किया गया है दैट इज बेटर देन दिस, दैट इज 22.21 करोड़। यहाँ पे 0.41% का जो पॉजिटिव सरप्राइज है देखने को मिल गया है। तो एक बहुत ही क्लियर पॉजिटिव इंडिकेशन है दोस्तों ये जो एवरेज वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो मार्केटिंग रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना पोल करती है, चाहे कोई मनी कंट्रोल है, चाहे वो कोई और रेटिंग एजेंसी है, तो ईटी पोल्स है, तो उसके एवरेज वैल्यू यहाँ पे शो की गई है। तो एवरेज बेसिस पे देखें तो कंपनी ने पॉजिटिव सरप्राइज कर दिया है। सिमिलरली ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से यहाँ से इसकी अर्निंग का डाटा पता चल जाएगा। जो एक्सपेक्टेड था दैट वाज 5.03 और जो रिपोर्ट किया गया है 5.15, एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव 2.35% का सरप्राइज देखने को मिल गया है। क्लियरली एक बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं, जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के हिसाब से आए हैं, जो एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से जो नंबर्स हैं वो इनलाइन हैं। तो इसी के कारण ही दोस्तों जो विप्रो का एडीआर था वहां पे भी बहुत ही शानदार तेजी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो विप्रो का यूएस में एडीआर क्लोज हुआ था वहां पे 17% की ग्रोथ आ गई है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों इसके जो नंबर्स आए हैं बहुत ही बढ़िया रहे हैं, कंपनी ने मार्जिन लेवल पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है ऑपरेटिंग क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो नतीजे हैं ना, यहाँ पे दो मेन जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो होते हैं कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के सेल्स कैसे रहे हैं, दूसरा होता है कंपनी के मार्जिन्स। तो सेल्स लेवल पे जो है नंबर्स इनलाइन आ रहे हैं, दूसरा मार्जिन फ्रंट पे भी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स बीट एंड डील विंस आर द की 5 टेकअवेज फ्रॉम द अर्निंग्स कार्ड। तो मेन इसकी अर्निंग की जो की कार्ड आया है उसका हम की हाईलाइट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या रहे हैं तो आइए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे TCS एंड इन्फोसिस के नंबर्स भी आए थे वो भी इनलाइन आए थे, उसके बाद फ्राइडे में बहुत ही बड़ी एक ब्रेकआउट आई, बहुत ही बड़ी तेजी आई, आईटी के स्टॉक बहुत ही तेजी से भागे। दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जो है विप्रो की, वहां पे जो रेवेन्यू है वो भी 4% के हिसाब से फॉल हो रहा है, जबकि जो नेट प्रॉफिट है वो 12% के हिसाब से जो है वो फॉल हो रहा है। तो फॉल तो हो रहा है जीरो ऑन जीरो बेसिस पे, ये तो क्लियर है, लेकिन दोस्तों पहले ही जो क्वार्टर थ्री था वहां पे नंबर नेगेटिव एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, क्योंकि पहले ही मार्केट एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव थी, इसलिए डरने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। नंबर्स आर एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, प्रॉफिट गिरा जरूर है और रेवेन्यू भी गिरा जरूर है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो दे आर एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो इसीलिए ही अब इस स्टॉक की जो एडीआर है यूएस में वहां पे एक तेजी आई है, वहां पे एक ब्रेकआउट जो है वो आया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी गाइडेंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी की गाइडेंस कैसी आई है। तो विप्रो हैज गाइडेड फॉर नेगेटिव 1.5% टू 0.5% सिक्वेंशियल ग्रोथ इन द आईटी सर्विसेज बिजनेस रेवेन्यू एंड ट्रांसलेट्स टू ए रेवेन्यू ऑफ $2.62 बिलियन इन द मार्च क्वार्टर इन द कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गाइडेंस है एक तरह से न्यूट्रल
टाइप की ग्रोथ शो कर रही है. एंड मोस्ट एनालिस्ट हैड एक्सपेक्टेड द कंपनी टू गिव नेगेटिव 1% टू प्लस 1% ग्रोथ इन द कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स. तो जो एक्सपेक्टेशंस थी एनालिस्ट की उसके अकॉर्डिंगली ही नंबर जो है वो देखने को मिले हैं. इसीलिए ही दोस्तों कंपनी में आने वाले टाइम में एक ब्रेकआउट का चांस जो है वो बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो क्वार्टर थ्री है दिसंबर क्वार्टर है, यहाँ पे छुट्टियां भी रहती हैं, फेस्टिवल भी रहते हैं. इसलिए दोस्तों पहले ही जो मार्केट थी वो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन लगा के चल रही थी, तो इसलिए कोई सरप्राइज यहाँ पे नेगेटिव देखने को नहीं मिला हुआ है. और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पे बीट देखने को मिला हुआ है. विप्रो सॉ ए लोअर देन एक्सपेक्टेड सिक्वेंशियल कंट्रैक्शन इन द आईटी सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन टू 16% इन द दिसंबर क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन जो है वो 63 पॉइंट बेसिस पे एक्सपेंड हो गए हैं. तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों हमने जैसे पहले ही बताया किसी भी कंपनी के नतीजे हैं उसमें दो पॉइंट्स रहते हैं, एक तो रेवेन्यू या कंपनी की जो सेल्स, दूसरा है उसके मार्जिन. दो पॉइंट मेनली कंपनी के नंबर्स को जो है वो इंपैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू एंड सेल्स तो इतनी नहीं बड़ी है, लेकिन मार्जिन जो है वो कंपनी के पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंड हो गए हैं. तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. इसलिए दोस्तों फ्यूचर गाइडेंस भी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी जो है एक इनोवेटिव कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, इनोवेशन के साथ कंपनी काम करती है, नई टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है. इसलिए दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी अपने बिजनेस को जरूर रिकवर कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यदि इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ही नंबर आ रहे हैं, तो जब क्वार्टर फोर में कंपनी के नतीजे आएंगे तो फिर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है. तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर का टाइम फ्रेम लेके आप यदि इस स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं. तो आइए आगे इसकी जो ओवरऑल कंपनी की गाइडेंस है वो भी हम देख लेते हैं कि कंपनी ने डील्स विन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने एक बड़ी बड़ी डील्स विन की हुई है. कंपनी हैज वन लार्ज डील्स वर्थ $0.9 बिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर, लोअर देन $1.28 बिलियन इट वन द लास्ट क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर के कंपेरेटिवली डील विन्स रिड्यूस जरूर हुई है. टोटल डील विन्स देखो तो अब $3.8 बिलियन की आ गई है, विच इज सिमिलर टू द कंपनी हैज रिकॉर्डेड इन द सितंबर क्वार्टर. तो डील विन स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन लेवल पे बीट है, तो इसलिए ये स्टॉक बड़ा धमाका कर सकता है. एडीआर में पहले ही धमाका हो गया है, तो ये स्टॉक अब अपने हाईएस्ट लेवल की ओर जाता दिखाई दे सकता है. 6 वन ईयर में भी देखो ये जो स्टॉक है अपने हायर हाइज जो है वो बनाता दिखाई दे रहा है. तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ना ये स्लोली स्टेडिली चलते हैं, एक यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टॉक है हायर हाइज हायर बॉटम बनाता है दिखाई दे रहा है. ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बाद मात्र में डबल हो जाएगा, स्लोली स्टेडिली ये स्टॉक चलते हैं, लेकिन जरूर ये पॉजिटिव रिटर्न ही देते हैं लॉन्ग टर्म में. 5 ईयर्स में देखो ये स्टॉक 79% के रिटर्न्स दे चुका है, और ये स्टॉक अब जैसे नंबर्स आ रहे हैं इनलाइन, तो ये स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल 700 को भी क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. ऐसा नहीं है दोस्तों एक मंथ में या 1 वीक में ये स्टॉक 700 के लेवल को क्रॉस कर लेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, एवरेज करना होगा, सिप करना होगा. ये स्टॉक आपको जो है वो अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रहता है, और यदि 1 से लेकर 2 साल तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तो 2x तक रिटर्न्स भी मिल सकते हैं. फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वैल्यूएशन देखें, वैल्यूएशन लेवल पे भी कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है. पीई मल्टीपल्स अभी भी 22 के अराउंड ही है, तो पीई मल्टीपल्स अभी भी ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी जो है वो जरूर रिकवर करती दिखाई देगी, और इसकी डील विंस भी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन लेवल पे भी अब अच्छा काम हो रहा है. थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ. अभी तक दोस्तों हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं. थैंक्स अगेन.